गाइस हम लोग घूम फिर के यहाँ आके पहुँचे हैं। ये है रबर प्लांट्स और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप ये देख सकते हैं हर एक पेड़ में ऐसे ऐसे। सो ये वाला जो पेड़ है ये है रबर प्लांट और इसको ऐसे काट दिया जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे एक एंगल लगा हुआ है और एक पॉट है यहाँ पे। तो इस पॉट को इस पेड़ के साथ ऐसे टंगा हुआ है और इस पे जमा होता है एक तरीके का फ्लूइड, जो इस ये आप देख सकते हैं ये फ्लूइड है। सो ये है रबर प्लांट का रबर प्लांट का फ्लूइड और इससे बनता है रबर, जिससे हम इरेजर बनाते हैं या फिर हर तरह का रबर, जिससे कई तरह की चीज़ जिस जो रबर से बनता है, इरेजर हो या टायर हो, जो भी चीज़ें बनती है रबर के साथ। सो ये जो पेड़ है ये है रबर का प्लांट, इसी से फ्लूइड निकाल के फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करके बनाते हैं। और ये एरिया यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक आके जाता है पूरा एरिया, सारा जितना सारा पेड़ है सब रबर प्लांट का है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं घूमते घूमते यहाँ पे आ गई। और हर पेड़ पौधे में हर एक पेड़ में लगा हुआ है ऐसे पॉट, आप देख सकते हैं इसमें भी है, ये वाला भी है। और यहाँ पे जितने सारे पेड़ है सारों में लगा हुआ है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, सो ये है वो फ्लूइड जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वाइट कलर का जो निकल रहा है ये निकल के यहाँ पे आके जमा हो रहा है। और यहाँ पे सारे ट्री में ये पॉट लगा हुआ है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है जो आज मैंने देखी, वैसे भी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है रबर ट्री और इसका प्रॉपर प्लांटेशन होता है, इसका प्रॉपर बिजनेस होता है। तो बहुत सारे लोगों का पर्सनली ऐसे प्लॉट खुद का होता है और खुद रबर का प्लांट लगाते हैं और फ्लूइड जमा करते हैं, फिर फैक्ट्रियों में सेल करते हैं और इस फ्लूइड को प्रोसेस करके रबर बनता है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है जो मैं कभी बनाऊंगी वीडियो, कैसे इस फ्लूइड के साथ रबर बनता है। सो आसपास में जितने सारे फैक्ट्रीज हैं मैं खबर लूँगी। आई होप कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी जानने का विषय है। और ये आप देख सकते हैं इससे भी निकल रहा है, ऐसे फ्लूइड निकल रहा है और इसमें जाके जमा हो रहा है।